चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव हो सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, असम में 2 से 3 चरण में चुनाव करवाए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना हालांकि यहां से कम दिखाई दे रही है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब इसीलिए कई राज्यों के लिहाज से भी आज चुनाव आयोग की जो एक घोषणा है वो बहुत अहम होगी और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी कितने चरण में चुनाव होने वाला है इस पर सबके नजरें बनी हुई हैं। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। मुंबई जन्मभूमि, मुंबई कर्मभूमि, अब मुंबई चुनाव भूमि होने वाली है, किस तरह से देखते हैं? बहुत आनंदित हूँ और मुझे मौका दिया है मेरे नेताओं ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का मैं कृतज्ञ आभार प्रकट करता हूँ, नड्डा जी का, देवेंद्र जी का। और बहुत उत्साह है, उत्तर मुंबई कल गया था, सबसे मिलना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, हमारे भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। मुझे उम्मीद है कि जो 10 वर्षों से मुझे मौका मिला देश की सेवा करने का, जिसमें मुंबई के लिए भी, उत्तर मुंबई के लिए भी कई चीज़ें हम कर पाए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए अब उत्तर मुंबई एक कार्य क्षेत्र भी बनेगा और उत्तर मुंबई के लिए कई सारे प्लान्स लेके मैं यहाँ पे आया। न्यूज 18 इंडिया मेगा पोल में ओपिनियन पोल आया था, उसमें बताया गया कि जो ओपिनियन पोल है वो 411, आपको 400 बोल रहे हैं लेकिन ओपिनियन पोल 411, 400 पार कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है मेरे मित्र, देश में जो विश्वास, देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता है उसको देखते 400 पार तो पक्का होगा। आगे क्या नंबर है वो तो चुनाव के काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हर भारतवासी के दिल में बसे और दिल की बात अब चुनाव पेटी में निकली आएगी। सो ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र 41+ आ रहे हैं, महाराष्ट्र में 45+ होगा, मुंबई की 6 की 6 सीट, थाना और आसपास की सभी सीटों पे क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी और हमें हमारे मित्र पक्ष एनडीए की विजय पक्का है। पीयूष गोयल का ये बड़ा दावा है कि महाराष्ट्र में 45 सीट और पूरे देश में 407 सीटें एनडीए को मिलने वाली हैं। मुंबई से कैमरामैन देव के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। अब तमाम राजनीतिक दलों को भी इसी दिन का इंतजार था, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत इस रण में झोंकने वाले हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित हो और पूरी पार्टी अपनी तैयारी के साथ खड़ी है और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आम जनता, आम लोग परेशान हैं, दुखी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से 17 सीट बाकी हैं, केवल अमेठी रायबरेली ने 17 सीट बाकी हैं और एक साथ घोषित होंगे। हमारा दो ही मुद्दा है, एक तो है वन फेज में वोट चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टेट को जो सिचुएशन है कम्प्लीटली फुल्ली पीसफुल डेमोक्रेटिक सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल, हम लोग एक ही फेज में इलेक्शन चाहते हैं। अब देखिए, ये पिछले असेंबली इलेक्शन की वक्त वो 8 दफा में वोट किए थे, क्या रिजल्ट हुआ? तृणमूल कांग्रेस से जीत गया था। दिस टाइम हम लोग एक ही फेज में वोट चाहते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कहां पर अभी भी किसका गठबंधन फंसा हुआ है, बड़ी तस्वीर क्या कहती है ये अब आपको दिखाते हैं। बिहार की 40 सीट है, यहाँ आरजेडी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग अभी भी तय नहीं हो पाई है। लालू यादव कांग्रेस को डिमांड के मुताबिक सीट देने को राजी नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सीटों का ऐलान भी अभी बाकी है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटों को लेकर भी दोनों खेमों में टकराव लगातार जारी है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी और महायुति यानी कि इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन अभी तक सीट फाइनल करा ही नहीं पाए हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं, दोनों जगह इंडिया गठबंधन टूट चुका है। ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है अकेले ही, तो कांग्रेस के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। अब 20 सीटों वाले केरल में भी लेफ्ट ने कांग्रेस का कोई लिहाज ही नहीं किया। राहुल गांधी की सीट वायनाड पर भी उसने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, इसीलिए
गठबंधन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे क्या इनका भविष्य होगा ये भी किसी को नहीं पता। अब लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या फिर नहीं ये भी आज ही साफ होने वाला है। अब संभावना ये जाहिर की जा रही है कि इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान नहीं होने वाला है, फिर भी औपचारिक अनाउंसमेंट क्या आता है चुनाव आयोग की तरफ से इसी का सभी को इंतजार है। संभावना ये है कि जम्मू कश्मीर के लिए संभावना कम दिखाई देती है। अब एक बार फिर से आपको ये बताते हैं कि किन किन राज्यों में कितने फेज में वोटिंग हो सकती है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है। राज्यों की जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अलावा सुरक्षा के नजरिए से एक पॉसिबिलिटी है कि इन 3 राज्यों में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। अब महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में चुनाव किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में चुनाव कराया जा सकता है, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। अब चलिए आप ये भी देख लीजिए कि चुनाव में बड़े मुद्दे इस बार क्या होने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हाल ही में हमने देखा, केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की जो कि सीएए। इसके बाद राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, मजबूत सरकार की गारंटी जो बार बार बताई जाती है, इसके अलावा आर्थिक विकास की गारंटी, मुफ्त अनाज, अनुच्छेद 370, महिला आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना, परिवारवाद, किसान, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर आप कई मर्तबा पक्ष विपक्ष को कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद करते हुए भी दिखाई देंगे। एक तरफ सरकार अपने किए गए कामों को गिनवाती है तो विपक्ष भी पूरी कोशिश में कैसे सरकार को घेरा जाए। अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर यह है कि सीएए पर घमासान अब भी जारी है, सियासी हमलों का दौर अभी भी चल रहा है। एक बार फिर से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है और ये कह दिया है कि एक साजिश है जिसके जरिए हमें परेशान और हमारे मुल्क को परेशान करने का ये मकसद है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का नाम लेकर कहा है कि अगर किसी की नागरिकता नहीं जाएगी तो दोनों नेताओं को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि NPR और NRC नहीं आने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी CEA और NRC को लेकर जबरदस्त हमलावर, इससे पहले भी कई मर्तबा देखे गए हैं केंद्र सरकार पर। अब ये कहा कि अगर नागरिकता नहीं जाने वाली है तो फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बकायदा नाम लेकर उन्होंने कहा कि साथ में खड़े हुए और कहें कि NPR और NRC नहीं होने वाला है। आप क्या कह रहे हैं आज? नहीं, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध मजहब का है, उसी को सिटीजनशिप मिलेंगे। मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं, कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी। तो मोदी को, अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी NPR NRC नहीं होगा देश में। बोलो,